बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए कुछ लोग और इस दौरान नशे में धुत एक शराबी दो डिब्बे तेजाब ले आया और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में चार लोग झुलस गए हैं। तो देखिए, मामूली सी बात होती है, कहासुनी होती है और फिर तेजाब लाया जाता है और फिर तेजाब से हमला किया जाता है, जिसमें चार लोग झुलस गए हैं। खुद भी झुलसा है, जो जिसने अटैक किया, इसने अटैक किया जिस व्यक्ति ने, वो खुद भी झुलसा है। तेजाब पर प्रतिबंध है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि अगर कोई तेजाब ला रहा है, खरीद रहा है, तो उसे बताना पड़ेगा कि वो किस कारण से खरीद रहा है। फिर भी दो केन भरकर ये तेजाब लाता है और ये हमला करता है वहां पर बैठे लोगों पर। चार लोग झुलसते हैं, वो खुद भी इसकी चपेट में आता है। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, शराबियों में आपस में झगड़ा हो गया और इस कदर कि देखिए तेजाब से हमला किया जाता है पास ही बैठे कुछ लोगों पर। तो हमला करने वाले का नाम राशिद बताया जा रहा है। राशिद पर तेजाब से हमले का गंभीर आरोप लगा है। खबर झांसी से है, सिपाही की गुंडागर्दी, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया रेलगंज मोहल्ला। सिपाही ने फायरिंग कर फैलाई दहशत, कई राउंड फायरिंग करता, सीसीटीवी में रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। ललितपुर में पोस्टेड है पुलिसकर्मी, सिपाही ने गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। तो ये सिपाही जिस पर गंभीर आरोप, कई राउंड ये फायरिंग करता हुआ नजर आता है और सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो जाती है। तो सिपाही गुंडागर्दी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसने गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, फायरिंग की, देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, देखिए आपने आवाज सुनी तो सिपाही ने ये फायरिंग दहशत फैलाई है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जरूर है कि ये क्या सिर्फ दहशत फैलाना चाह रहा था, गलत इस्तेमाल किया, क्या इसने सरकारी वेपन्स जो इसे मिले इस्तेमाल किया। लेकिन न सिर्फ इसने फायरिंग की बल्कि गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है और ये सारी घटनाएं सीसीटीवी और ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ एक महिला भी है शायद, और वो इसे रोकने की कोशिश कर रही है पीछे पीछे, साथ में एक महिला भी है। थोड़ी सी अनहोनी होती तो फिर वो चूक बड़ी हो सकती थी, लेकिन यहां पर देखिए एकदम से दो आवाजें आती है, तड़तड़ाहट आप तेज की सुन रहे हैं, पूरा इलाका लोगों में दहशत हो गई और अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इस पूरे मामले की। लेकिन सिपाही की जिम्मेदारी से दिखाने की कोशिश जरूर की है यहां पर। तो ये दो लोग इसमें नजर आते हैं, आपको बड़ी सी गाड़ी नजर आ रही है और देखिए आगे आगे लगता है कि जैसे महिला रोकने की कोशिश कर रही है और उसके बाद जो है ये सिपाही फायरिंग करता है। अब ये जरूर जांच का विषय पोस्टेड था, ये जानकारी आ रही है ललितपुर में पोस्टेड है ये पुलिसकर्मी और अब ये इसकी जांच की जाएगी कि क्या इसने शराब का भी इस्तेमाल हुआ था, किसी से झगड़ा था, दहशत फैलाना चाह रहा था, जांच इसकी होगी। अब शाहजहांपुर में पुलिस ने अभियान चलाकर 45 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, साथ ही हजारों लहन और कई शराब भट्टियों को नष्ट किया। शाहजहांपुर में अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग के साथ मिलकर एक अभियान चलाया गया, जिसमें 45 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें 6 भट्टियां नष्ट की गई, करीब 500 लीटर देशी शराब बरामद हुई है और 4500 लीटर लहन लगभग नष्ट की गई है। इस प्रकार ये होली, चूँकि आज होलिका दहन का पर्व है, कल होली रंग खेला जाता है, तो इस उद्देश्य से इस कार्रवाई को की गई है ताकि होली में कोई अवैध शराब इत्यादि का प्रचलन न हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। बरसाने की चोरी, नंदगांव का चोरा है, तो इस वक्त तो पूरा ब्रज होली के रंग में रंगा हुआ है। इस बार बहुत से लोग जल संरक्षण के संदेश को ध्यान में रखते हुए बिना पानी के होली खेलते भी नजर आए। मथुरा में सिंधी समाज की महिलाओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं की बात करें तो राधा कृष्ण के साथ जमकर फूलों की होली खेली। इन महिलाओं ने होली के गानों पर जमकर नाच भी किया।
उधर शाहजहांपुर में बड़े धूमधाम से आरएसएस का रंग महोत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों आरएसएस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई और जमकर नाच गाना भी। होली पर फाग का अलग ही महत्व है। फाग लोगों में जोश पैदा करता है। इटावा के पूर्विया टोला मोहल्ले में फाग टोलियां होली के एक दो दिन पहले से ही बैठकी शुरू कर देती हैं, जिसमें दर्जनों फाग गायक शामिल होते हैं। आप भी इस फाग का मजा। होली में फाग का मजा लोगों में जोश पैदा करता है। एक दो दिन पहले शुरू हो जाती है बैठकी। दर्जनों फाग गायक इसमें शामिल होते हैं। तो होली में हम होलिका जलाते हैं, लेकिन आपको ये हैरानी होगी जानकर कि बरेली में होलिका माता का मंदिर है। यहाँ होली के अवसर पर होलिका देवी की पूजा होती है। होलिका माता के पूजन के बाद ही लोग घर में होली खेलते हैं। ऐसी मान्यता है कि होलिका देवी लोगों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। तो होलिका माता की पूजा होती है और जो भी मनोकामनाएं लोग मांगते हैं माँ उन्हें उसे पूरा करती है। ये मान्यता है और ये सालों से चली आ रही है। विशाल मेला भी इस पर लगता है। हालांकि त्यौहार पर कोविड का कुछ हद तक असर भी नज़र आ रहा है। एक झिझक है लोगों में, लेकिन फिर भी खुश होने का मौका लोग नहीं छोड़ रहे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा।